अगर आप अपने दुश्मन अपने शत्रु से परेशान हैं तो होली के पावन दिन के ऊपर एक नींबू में कील गाड़ते ही जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, तो उसकी तबाही शुरू होगी और हर बुरी शक्ति का भी अंत होगा। तो कैसे आपने इस टोटके की विधि को अपनाना है होली के पावन दिन, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो सबसे पहले आपको होली के पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल को होली का पावन दिन है, तो इस दिन आपके घर में जो होली का ये पावन दिन है, आपके घर में धन धन्य की वृद्धि करे, सुख शांति लेकर आए, हर बुरी शक्ति का अंत हो और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का धन का प्रकाश हो। तो आज मैं आपको होली का पावन दिन के ऊपर आज ये जो नींबू का एक टोटका बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल सरल विधि के द्वारा आपने इस टोटके की विधि को अपनाना है। तो जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे, जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, जो भी उस व्यक्ति ने आपके ऊपर अगर बुरी शक्तियाँ लगा रखी हैं, कोई नेगेटिविटी लगा रखी है, कोई ब्लैक मैजिक लगा रखा है, काला इल्म लगा रखा है, तो इस टोटके से ही उन बुरी शक्तियों का अंत होगा। क्योंकि होली के पावन दिन के ऊपर जो भी हम साधना सिद्धि करते हैं या किसी मंत्र का हम जाप करते हैं, तो हजारों गुण ज़्यादा हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय, दीपावली की काली रात में जो भी हम साधना सिद्धियां करते हैं, तो तुरंत ही प्रत्यक्षीकरण होता है और मंत्रों की सिद्धि साधना होती है इन दिनों में। तो ऐसे ही होली का ये पावन दिन है, तो आप भी अपने दुश्मन अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं होली के पावन दिन के ऊपर। वैसे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपका दुश्मन, आपका जो शत्रु है, आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, कोर्ट कचहरी के केसों में घसीट रहा है, अगर आपका शत्रु बलशाली है और आप कमज़ोर हैं और आपके ऊपर नेगेटिविटी लगा रहा है, आपके ऊपर बुरी शक्तियां लगा रहा है बार बार, तब आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। बिल्कुल सरल विधि है। तो अब मैं आपको होली के पावन दिन के ऊपर जो टोटका बताने जा रहा हूँ, लेकिन टोटका बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है, जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएं और जो नित्य हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो अब मैं आपको वह टोटका बताने जा रहा हूँ। तो होली के पावन दिन के ऊपर रात्रि के समय जब पूर्ण रूप से अंधेरी रात हो जाए, तभी आपने इस टोटके की विधि को अपनाना है। तो इसके लिए आपने एक लोहे की कील लेनी है, केवल एक लोहे की आपने कील लेनी है, और एक लेना है आपने साबुत नींबू, एक लोहे की कील और एक साबुत नींबू। और उसके बाद आपने अपने घर में थोड़ी सी अंगियारी, आपने आग की थोड़ी सी अंगियारी, गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद थोड़ी सी अंगियारी तैयार कर लें। अंगियारी तैयार करने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है उस अंगियारी में, और माता मसानी और माता काली और बाबा भैरवनाथ का ध्यान धरते हुए आपने अरदास बेनती करनी है कि जो भी हमारे जीवन के शत्रु हैं उनका पूर्ण रूप से विनाश हो, हम आपका जो टोटका करने जा रहे हैं। तब आपने जो वह कील है और वह जो नींबू है उसके ऊपर से 7 बार
उल्टा एंटी क्लॉक वाइज उसको बार लेना है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, तो पूरे घर में इसका एक उतारा कर देना है, इस नींबू का भी और केल का भी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी शक्ति है तो उसके ऊपर से भी 7 बार एंटी क्लॉक वाइज आपने बार लेना है। उसके बाद ये जो नींबू है और ये जो कील है, जो आपके घर की बाहर वाली दहलीज है, जहाँ से आप घर से बाहर जाते हैं या एंट्री करते हैं, तो उस दहलीज के ऊपर आपने जाना है। और जो आपका दायां पांव है, दायां पैर है, वो दहलीज के बाहर वाली साइड होना चाहिए, और जो आपका बायां पैर है वो घर के अंदर होना चाहिए, अंदर वाली साइड होना चाहिए। और वहीं पर खड़कर आपने वह जो नींबू है उसको आपने बाएं हाथ में पकड़ लेना है, और दाएं हाथ से आपने जो वह कील है, आपने समस्त शत्रुओं का ध्यान धरते हुए उसमें आपने उस कील को गाड़ देना है, लगा देना है। और उसके बाद आपने घर से बाहर इस कील को लेकर जाना है, इस नींबू को बाहर आपने लेकर जाना है। इसको या तो आप, अगर कोई कांटों वाला वृक्ष हो जिसके ऊपर भी कांटे हों, तो उसके नीचे आप इसको रख कर आ सकते हैं, शमशान भूमि में आप इसको रख कर आ सकते हैं, घर से बाहर आपने इसको रख कर आना है। ये जो नींबू है जिसमें आपने ये कील लगाई है, या तो शमशान भूमि में रख कर आएँ, या किसी भी कांटों वाले पौधे की जड़ में आप इसको रख कर आएँ, तो इससे जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, क्योंकि होली के पावन दिन का यह टोटका है, और यह जो टोटका है तुरंत ही आपको रिजल्ट देगा, आपकी रक्षा करेगा, जो भी कोई बुरी शक्ति नेगेटिविटी होगी वह दूर होगी, और आपके शत्रु की तबाही तुरंत ही शुरू हो जाएगी जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे। तो यह तो था होली के पावन दिन के ऊपर शत्रु विनाशक टोटका। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं, कोई हवन किट मंगवाना चाहते हैं, कोई रक्षा किट मंगवाना चाहते हैं, या कोई वशीकरण की किट मंगवाना चाहते हैं, कोई धागा सूत्र तावीज अगर आप हमारे द्वारा घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, या घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, और घर के लिए सामग्री वगैरह की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो बढ़िया लगती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।